ने धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं मिलने पर कहा कि हमने सरकार बनने के दूसरे महीने केंद्र को यह प्रस्ताव भेज दिया था, सवा तीन साल बाद भी केंद्र ने अनुमति नहीं दी। भारत सरकार में बैठे लोगों की समझ में अंतर है। हमें गन्ना और मक्का के लिए अनुमति मिली, लेकिन धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं दी गई। एफसीआई में जो चावल पड़ा है उसे केंद्र 32 रुपए के चावल को 22 रुपए में देने को तैयार है। धान के एथेनॉल का रेट तय होना चाहिए, जो अब तक भारत सरकार ने तय नहीं किया है। केंद्र सरकार कनकी चावल की अनुमति देने की बात करती है, लेकिन इससे किसान, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तीनों को नुकसान होगा। सीएम भूपेश ने रेलवे द्वारा यात्री ट्रेनों के फेरों में कमी और ट्रेनें रद्द किए जाने पर कहा कि इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। बिलासपुर जोन सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, इसके बावजूद यात्रियों की सुविधा रोकी जा रही है। भाजपा द्वारा बूथोवार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का सर्वे किए जाने पर सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विधायकों के टिकट काटने का फैसला भाजपा नेतृत्व ने कर लिया है, अब सांसदों को कैसे निपटाना है इसका रास्ता ढूंढा जा रहा है। देखिए, हमारा तो 3 साल से पुराना प्रस्ताव है, 3.25 साल हो गया जब से हमारी सरकार बनी है। उसको दूसरे महीने ही मैंने प्रस्ताव भेज दिया था कि हमको धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए। भारत सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ जो समझ में जो अंतर है वो ये है कि वो चाहते हैं पैरा से बनाए, भूसा से बनाए, उसके बाद फिर गन्ना और मक्का से भी अनुमति मिली। तो गन्ना और मक्का का हमारा एथेनॉल प्लांट लग रहा है, मक्का का कोंडागांव में और गन्ना से कमरथा में, दोनों के हमारे निर्माण कार्य शुरू हैं। तीसरी बात यह है जो हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो धान से। भारत सरकार ने प्रयास किया कि उसके पास एफसीएम जो चावल पड़ा है उसे 32 रुपये के चावल को 22 रुपये में भी देने के तैयार हो गए, लेकिन एथेनॉल प्लांट एथेनॉल वाले लिए नहीं। हमने ये कहा कि इसे धान से हमको एथेनॉल बनाने की अनुमति दी है और धान के एथेनॉल का रेट तय होना चाहिए। अभी तक भारत सरकार ने उसे तय नहीं किया है। दूसरी, भारत सरकार अनुमति नहीं दी क्योंकि खाद्यान्न की बात है। आखिर राज्य सरकार जो धान खरीदती है वो भारत सरकार की ही अनुमति से खरीदती है। यात्री गाड़ी को उस प्रकार से रोक दिया गया है। भारत सरकार की ओर से रेलवे विभाग की तरफ से खंडन भी आया था, जबकि वास्तविकता ये है कि जितने भी हमारे पैसेंजर ट्रेन हैं सबको, सबके जो फेरे हैं उसको कम कर दिया गया था और बहुत सारे ट्रेन हैं उसे भी रद्द कर दिया गया, 1 महीने के लिए रोका गया था। इससे निश्चित रूप से यात्रियों को बहुत परेशानी होगी। इससे रेल को, जो हमारे खासकर बिलासपुर जोन है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने, पूरे देश में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, वहाँ यदि यात्रियों की सुविधा को भी रोका जाएगा तो गलत बात है।